हेलो फ्रेंड्स, मैं निगर परवीन खान कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की आपकी तैयारियों को धार देने और उसे बेहतर बनाने हम फिर एक बार लेकर आए हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आप में से कई लोग जानते ही हैं कि एफटीआर क्या है, आप में से कई लोग पिछले साल भी एफटीआर से जुड़े थे और अपने एग्जाम की तैयारियां एफटीआर के जरिए भी की थी। उम्मीद है आप में से कई लोगों को इससे फायदा भी पहुंचा होगा एग्जाम में। काफी सराहना इस एफटीआर की सीरीज को मिली थी, तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस एफटीआर की सीरीज में हम हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं और साथ ही उसकी व्याख्याओं को भी थोड़ा बहुत विस्तार से बताते हैं, ठीक, ताकि आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस मिल सके, ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो सके, बल्कि उस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो सके और एक आपका माइंडसेट ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। तो आज 15 दिसंबर से एफटीआर शुरू है और हम आपके साथ आपकी एग्जाम की तैयारियों में करीब महीने डेढ़ महीने तक जुड़े रहेंगे। सारे सब्जेक्ट्स, जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स जिनकी भी आपने डिमांड की थी वो सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, चाहे वो सी सेट हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई भी आस्पेक्ट हो, चाहे वो इंडिया का जीएस हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, सभी सब्जेक्ट्स के एफटीआर होंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और एफटीआर से ज्यादा जुड़े, इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करिए, ठीक। अब आ जाती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट की एफटीआर पे। तो आप जैसे कि डिस्प्ले में देख ही रहे होंगे और आप जानते भी होंगे कि मैं दो सब्जेक्ट की एफटीआर डील करूंगी, पहला राज व्यवस्था, दूसरा इतिहास। और आज से राज व्यवस्था का एफटीआर शुरू हो रहा है। एफटीआर का ये जो एपिसोड होगा या ये जो सीरीज होगी, ये दिन में दो एपिसोड के साथ रहेगी। आज से शुरू हुआ, कल दोपहर में और फिर कल शाम में। सो दिन में दो बार, शाम को 6 बजे आपको अभी लगातार पहले पॉलिटी की सीरीज मिलेगी, यानी कि इंडिया का जीएस शाम के टाइम 6 बजे कवर किया जाएगा और सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ जीएस कवर किया जाएगा। तो कल सुबह 8 बजे से छत्तीसगढ़ जीएस का जो है वो सीरीज स्टार्ट होगी। सो सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे देखना ना भूलें फास्ट ट्रैक रिवीजन कॉम्पिटिशन कमिटी के यूट्यूब चैनल पर। सो इस बार की एफटीआर की खास बात यह है कि हम जहाँ जितने भी क्वेश्चंस डील करेंगे आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होंगी। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आपको एफटीआर की पूरी सीरीज का अगर शेड्यूल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, कब कौन से टाइमिंग में कौन सा सब्जेक्ट होगा, किन टॉपिक्स पर होगा, तो वो शेड्यूल भी आपके लिए अवेलेबल है, आप लिंक चेक कर सकते हैं, फाइन। और एक और बात आपसे शेयर करनी है, आप में से जितने लोग इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सेम एफटीआर की सीरीज कंपटीशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। जी हाँ, आई रिपीट दिस, कंपटीशन कम्युनिटी का यूट्यूब चैनल आप अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बिकॉज जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एफटीआर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल उस चैनल पर होगा। यहाँ जो भी सीरीज चलेगी ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हिंदी में रहेंगे, एक्सप्लेनेशन का जो मोड होगा वो भी ज़्यादातर हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम वाले चैनल में हमने क्वेश्चंस भी इंग्लिश में रखे हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आए उस तरह से बायलिंगुअल मोस्टली इंग्लिश में रहेगा। फाइन विद दैट, तो जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस चाहिए, इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो अभी जाकर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो राज व्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप जानते ही हैं। मैं एक थोड़ा सा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ पहले, पुराने नए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। खास तौर पे पॉलिटी या राजव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे सीजीपीएससी प्रॉब्लम्स में काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वो अक्सर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले होते हैं, अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, डायरेक्ट व्हाट व्हेन वेयर कब क्या क्यों वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बहुत सारे विश्लेषणात्मक प्रश्न रहते हैं और उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको काफ़ी डिटेल में किसी टॉपिक को जानना ज़रूरी है, ठीक। तो इसलिए पॉलिटी वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना है आउट ऑफ ऑल इंडिया जीएस। इंडिया का जीएस, इंडिया का जो जीएस वाला पार्ट है उसमें जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो विज्ञान हो, उन सभी में सबसे ज़्यादा आपको फोकस इस पर करना है, क्योंकि
सीधा व्हाट व्हेन वेयर से नहीं चलेगा। आप अगर एक शब्द भी पढ़ते हैं तो उसकी पीछे के पूरे अवधारणा को आपको समझना जरूरी है। तो जब भी आप पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं या पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक, जो भी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे एमसीक्यू के दौरान वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो उससे और क्वेश्चन बनाने में आपको सहायक होंगी। बाकी उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो पूरी चीज़ें हमने अपने मोबाइल कोर्स में डील की है, CGPSC का प्रीलिम्स का, मेल्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मोबाइल कोर्स पूरी तरह से रेडी है। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अवधारणाओं को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मोबाइल कोर्स भी खरीद सकते हैं। फाइन विद दैट। और याद रखिए जल्द ही CGPSC के प्रीलिम्स का नया मोबाइल कोर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ये खैर ऑफर्स और सारे ये जो पैकेजेस हैं वो तो आपको बता ही जा रहे होंगे, उस पर मैं अभी नहीं आऊँगी। मैं यहाँ बताना सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि हर सब्जेक्ट में MCQs के साथ व्याख्याएं भी होंगी, उन व्याख्याओं से और प्रश्न भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो फोकस सिर्फ और सिर्फ वन बाय वन क्वेश्चन कराना नहीं होगा, क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को थोड़ा बहुत आपको समझाना होगा। ठीक, राज व्यवस्था का जो भी शेड्यूल अपलोड था उसमें आपने देखा था कि पहले FTR में ये सारे टॉपिक कवर किए जा रहे थे, संवैधानिक विकास, अनुसूचियां, भाग, स्रोत, संविधान का निर्माण और प्रस्तावना। तो आज के जितने क्वेश्चंस होंगे वो इन टॉपिक्स में से ही होंगे। क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं दोहराती हूँ कि प्रश्न ज्यादा लेने की जगह हम प्रश्नों के पीछे की अवधारणाओं को ज्यादा बेहतर समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक पूर्व भूमिका मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये पहला एपिसोड है, बाकी हर एपिसोड में आपको इतना कुछ पहले MCQ में जाने से पहले नहीं सुनना पड़ेगा। हम किस तरह से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे उसके लिए ये सारी बातें बताना, आपसे शेयर करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस मूव ऑन करते हैं। ध्यान रखिए ये जो टॉपिक्स हैं इस पर से आज के प्रश्न बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। सो प्रश्न आपको विजिबल है, आप देख सकते हैं, एक मैच द फॉलोइंग का यानी कि सुमेलित करने का प्रश्न है और इसमें लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, संविधान सभा की समितियां एक तरफ दी हुई है, एक तरफ अध्यक्ष, और यहाँ पे कुछ कूट दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा सही कूट इन समितियों को उनके अध्यक्षों से सही सुमेलित करता है। प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, और अध्यक्ष में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KM मुंशी, B पट्टाभी सीतारमैया। बताएं क्या होगा आंसर यहाँ पे। ABCDE 5 ऑप्शंस हैं इसमें। थोड़ा सा मैं पॉज लूंगी ताकि आप थोड़ा सा एनालाइज खुद कर सके, फिर मैं इस पर आऊंगी। आप प्रश्न कौन से सेक्शन से समझ पाए, ये संविधान के निर्माण वाले सेक्शन से है। संविधान का जो निर्माण था, निर्माण करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी, वहां से प्रश्न है। अब अगर क्लिक किया हो तो बताएं क्या होगा आंसर। तो देखिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं, फिर कूट में से देखेंगे सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति इसके अध्यक्ष कौन, B पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। मतलब प्रारूप समिति यानी 2, प्रक्रिया नियम समिति यानी 1, सदन समिति यानी 4, कार्य संचालन समिति यानी 3। ठीक, मतलब 2, 1, 4, 3 कौन सा कूट है, B इसका करेक्ट आंसर है, 2, 1, 4, 3। ठीक, आंसर इज B। अब जैसे कि मैंने बताया था, आई होप आपको समझ में आएगी, संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई समितियों पर से प्रश्न है। देखिए संविधान सभा में संविधान के पूर्ण निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 वृहद समितियां थी यानी कि बड़ी समितियां, और करीब 13 छोटी समितियां थी। आपको जो प्रश्न पूछता है वो इन समितियों के अध्यक्ष से ही पूछता है,
वो मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछता है, प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछता है। तो ये समिति और ये जो अध्यक्ष की लिस्ट है इसे आप जरूर याद कर लीजिए, ना सिर्फ वृहद समिति बल्कि छोटी समितियों की भी, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं प्रारूप समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये दोनों वृहद समितियां बड़ी समितियां, जबकि सदन समिति और कार्य संचालन समिति जो है ये लघु समितियां। और आप में से कई लोग कंफ्यूजन हुआ होगा कार्य संचालन समिति में, क्योंकि एक वृहद समिति है जिसका नाम है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, जबकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बेहतर है कि पूरे 8 वृहद और 13 छोटी जो समितियां हैं उनको आप याद कर लीजिए। याद एक आसान तरीके से किया जा सकता है, आप सभी समितियों के नाम और अध्यक्ष बार बार ना करके आप एक तरफ अध्यक्ष के नाम लिख दीजिए और वो कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष हैं वो समितियां साइड में लिख दीजिए। मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहाँ लिखा है, यहाँ से मैं आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखें, प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जैसे कि मैंने बताया वृहद समिति जिसका नाम है संचालन समिति उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दिया, सामने दोनों समितियों के नाम लिख दिया। वैसे ही फिर अपना अपने अगला नाम लिख लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 3 समितियों के अध्यक्ष, ठीक है, मेन समितियां अगर देखिए जैसे संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, तीसरी है राज्य समिति। तो जवाहरलाल नेहरू लिख लिया, फिर सामने तीनों जो समितियां उसके नाम आपने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले 8 वृहद और 13 छोटी समितियों के नाम लिखिए, क्योंकि प्रश्न सिर्फ वृहद समितियों से नहीं आते, जिस डेप्थ में आजकल राज्य व्यवस्था पूछा जा रहा है छोटी समितियों से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, ये क्वेश्चन अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ सूची दी गई है जो कि कुछ इकाइयों से संबंधित है या कुछ प्रावधानों से संबंधित है, और दूसरी तरफ दिए हैं भारत में ब्रिटिश समय में आए कुछ अधिनियम। तो जो भारत का संवैधानिक विकास वाला टॉपिक आपने राज्य व्यवस्था में देखा था वहां से ये क्वेश्चन है, जिसके तहत आपको ब्रिटिश एरा में भारत में जितने एक्ट आए थे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे वो मॉर्लिमेंटो हो, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, उनको पढ़ना रहता है, उनके प्रावधानों को पढ़ना रहता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक तरफ प्रावधान दिए हैं, यहाँ एक्ट दिए हैं, मैच करिए कि कौन सा सही है। यहाँ थोड़ा सा जो दिमाग घूमता है वो ऑप्शंस में घूमता है, वजह ये है कि एक तरफ ABCD दिया हुआ है और इस तरफ फिर ABCD दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिए कि ये जो मैच करने के लिए दिया है वो कैपिटल ABCD में है, और ऐसा नहीं है कि ये जो सूची 1 है उसको अलग से दे दिया है। ठीक है, ABCD इसने हॉरिजॉन्टल रो में रखा है और फिर इस तरफ इसने मैच किया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, वहीं पे थोड़ा सा ही टाइम टेकिंग हो जाता है, वैसे है बड़ा ही आसान क्वेश्चन। तो देखिए, नियंत्रक बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड कौन से अधिनियम से आया था? तो पहले हम आंसर ले लेते हैं, फिर इससे एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। नियंत्रक बोर्ड आया था आपका, बताइए कहाँ जाएगा एरो, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, क्यों बाद में बताऊं। केंद्रीय प्रशासन, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत का गवर्नर जनरल, ये हुआ था चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का राज्य सचिव, ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, मतलब अब अगर हमने इस तरह से मैच किया है तो ए किससे मैच हो रहा है, 2, तो ए के नीचे 2 देखिए, बी और सी दोनों में। ठीक, फिर बी किससे मैच हो रहा है, 4, तो ये है सी वाला ऑप्शन। फिर सी देखिए 1 और डी देखिए 3, तो 2, 4, 1, 3, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि नियंत्रक बोर्ड यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक प्रावधान था कि भारत का राज्य सचिव नाम का एक पद सृजित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रक बोर्ड अस्तित्व में आया था, और चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो इसलिए आंसर है 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक,
अब देखें जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के एक्ट हैं उसकी लिस्ट आपको हमारी पीडीएफ में भी मिल जाएगी, मेरे मोबाइल कोर्स के लेक्चर में भी मिल जाएगी। उस लिस्ट को आप ज़रूर याद कर लीजिए, पूरा पूरा वो इतिहास और संविधान दोनों से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसे प्रश्न इतिहास में भी पूछते हैं, उसे प्रश्न संविधान में भी पूछते हैं, आप एक साथ पढ़ लें। ऐसा नहीं कि जब इतिहास के आप पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐतिहासिक बातों का ध्यान रखिए और संविधान के लिए पढ़ रहे हैं तो कब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, कब कार्यपालिका बनी, कब न्यायपालिका बनी, आपको पढ़ नहीं। आप एक साथ पूरे 73 से लेकर 1947 तक के जितने अधिनियम हैं उन अधिनियमों के सभी प्रमुख, चाहे वो संवैधानिक पहलू से संबंधित हो चाहे ऐतिहासिक पहलू से संबंधित हो, सभी प्रमुख प्रावधानों को आप पढ़िए। ठीक, आपको कम्पिटिशन कम्युनिटी की पीडीएफ में भी मिल जाएगा। मेरे लेक्चर्स में मैंने उसका निचोड़, निचोड़ का मतलब अगर 10-12 प्रावधान है तो उसके 4-5 कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो अक्सर पूछे जाते हैं वो बताया है, तो आप वहां से भी इसे रिफर कर सकते हैं। सीधा सीधा जो दिए गए हैं उन पर आते हैं। नियंत्रक बोर्ड 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में, इसलिए मैंने मैच किया क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार से प्रशासन में कूद पड़ी थी उसको दोनों तरफ ध्यान नहीं देते बन रहा था और इसलिए उसके दो हिस्से कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही नियंत्रक बोर्ड कहा जाता है। ये नियंत्रक बोर्ड को कंपनी के प्रशासनिक क्रियाकलापों को मैनेज करने के लिए रखा गया था, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए रखा गया। तो दो हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी बटी थी, तो नियंत्रक बोर्ड का अस्तित्व 1784 से आता है। ठीक है, दूसरा हमने केंद्रीय प्रशासन को रेगुलेटिंग एक्ट से इसलिए मैच किया क्योंकि 1773 में पहला रेगुलेशन या पहला लिखित संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश रूल के लिए इंडिया में अंग्रेजों ने भेजा। इस लाइन को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं अगर नहीं समझ में आई हो तो। मतलब जब से 1765 से भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था तब से लेकर 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपने प्रशासन में पैर जमा रही थी, लेकिन ब्रिटेन में बैठे सरकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ का प्रशासक नहीं मान रही थी इनिशियली। ठीक है, कुछ समझौते चल रहे थे, कुछ बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, फाइनली 1773 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अंग्रेजों की तरफ से प्रशासन करेगी। ठीक, तो 1773 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिकॉग्निशन देते हुए या उसको मान्यता देते हुए यहाँ पे प्रशासनिक तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। और आपको पता ही होगा कि इसके तहत जो बंगाल में गवर्नर का एक पद था उसको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और एक केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पे अंग्रेजों ने नींव डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, केंद्रीय प्रशासन की नींव डली और कंपनी यहाँ की प्रशासक होगी, इस बात को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, इसलिए हमने इसका मैच किया। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833, समय समय पर अलग अलग वजहों से भारत का जो प्रमुख रहा उसके पद का नाम बदलता रहा। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि 1773 के इस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल नाम हो गया। ठीक, उसके बाद 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, अभी तक के क्या नाम था 1833 से पहले, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, इससे नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1833 का एक्ट था जिसमें भारत में पूरी तरह से शक्तियां केंद्र में बैठे गवर्नर जनरल के पास आ गई। तो क्योंकि वो पूरे भारत की शक्ति को अपने हाथ में रखने लगा था 1833 के एक्ट से, इसलिए उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना गलत होता, इसलिए बंगाल शब्द को रिप्लेस करके भारत शब्द उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए 1833 में मैंने लिया भारत का गवर्नर जनरल का पद। और कौन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, देखिए ये पूरी लिस्ट मैं अपने लेक्चर्स में बताती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे दोहरा देती हूँ। ठीक, अब यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए आपको सुन के ही इसे लिखना पड़ेगा। बंगाल के पहले गवर्नर, ठीक है, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करिए। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो यहाँ पर लिखा है वो हैं विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक।
ठीक, और भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम जो वायसरॉय हैं और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसकी कुछ अंश हम इतिहास वाला जो हम सेक्शन डील करेंगे एफटीआर का उसमें भी देखेंगे, वहां थोड़ा डिटेल रहेगा, यहाँ बस इतना ही। ठीक, तो 1800, इसके बाद भारत का राज्य का सचिव 1858 का अधिनियम जो है भारत में 57 की क्रांति के फलस्वरूप भेजा गया था। यहाँ पे एक जो बड़ा बदलाव आया था 1858 के अधिनियम में वो ये था कि ब्रिटेन में बैठी सरकार को अब भारत में कंपनी शासन पर यकीन नहीं रह गया था, और इसलिए यहाँ के प्रशासन की पूरी बागडोर ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी, और इस वजह से भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और क्राउन शासन की शुरुआत। तो याद रखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन से अधिनियम से भारत में क्राउन शासन की शुरुआत हुई, तो वह 1858 का अधिनियम ही होगा। ठीक, और क्योंकि क्राउन शासन की शुरुआत हुई इसलिए ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के अंदर भी उन्हें कोई ऐसा मुखिया बनाना पड़ा जो भारत के लिए फैसले ले सके, और उस मुखिया का नाम था भारत का राज्य सचिव। ठीक है, या उसे शॉर्ट में बोला जाता है भारत सचिव, ठीक, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक सदस्य होता था और उसके साथ 15 लोगों की एक कमेटी होती थी जिसे इंडियन काउंसिल या भारत परिषद कहा जाता था। तो भारत परिषद जो कि 15 सदस्य कमेटी थी उसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था, जो वहां पर भारत के लिए कानून बनाता था और उसे इंडिया में फिर वायसरॉय एग्जीक्यूट करते थे। तो याद रखिएगा 1858 के एक्ट से ही वायसरॉय का पद भी आया, वायसरॉय का पद। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप यहाँ पे याद रखिए, बाकी जो और प्रावधान है उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई भी चार प्रावधान लिख सकता है यहाँ पे और आपको ऐड दे सकता है मैच करने के लिए। तो ये एक टाइप था इस टॉपिक पर एक प्रश्न का। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपको समझ में आया, कहीं कोई भी डाउट आता है आपको, कोई और एक अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से कोई डाउट है, हो सकता है बताते वक्त कुछ फैक्ट्स गलत बता दें, हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में ऊपर नीचे हो जाए, ह्यूमन एरर्स होते ही हैं। ठीक है, आपके मन में कोई और बातें हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शुरू शुरू में मैंने थोड़े बड़े क्वेश्चंस लिए और दोनों तीनों ही शुरू के मैच द फॉलोइंग से संबंधित है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से हैं। पहला वाला संविधान के निर्माण से था, दूसरा वाला संविधान के विकास से था, और ये सवाल आप समझ पा रहे होंगे अनुसूची भाग वाले पार्ट से है। तो ये यहाँ पे कुछ अनुसूचियां दी हुई है, यहाँ पे अनुसूचियों के नाम दिए हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था सन 1950 में तो कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 अनुसूचियां बाद में धीरे धीरे ऐड की गई, वर्तमान में 12 है। जब आप संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला आपका यही काम होता है कि जितनी 12 अनुसूचियां हैं उनके नाम याद करिए, और संविधान में जितने 22 भाग हैं उन भागों के विषय वस्तुओं का नाम याद करिए। तो अनुसूची और उनकी विषय वस्तु 12 और भाग 22, भाग और उनकी विषय वस्तु 22, उनको आप याद कर लीजिए। वहां से सीधा सीधे या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची 10 क्या है, 12 क्या है, भाग 1 क्या है, 4 क्या है, या ऐसे मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या सही या गलत कथन पहचानी इस तरह से दे देगा। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो जितना भी बड़ा क्वेश्चन बनाकर फ्रेम करे आप उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखें, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची जो संबंधित है वो शपथ से है। नवी अनुसूची कुछ अधिनियमों का वैधीकरण। चौथी अनुसूची उच्च सदन में सीटों का बंटवारा। दसवीं अनुसूची दल बदल कानून। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया, ए का हो गया 5, बी का हो गया 3। ठीक, तो कहां पे है देखिए 5-3, ये बड़ा आसान हो जाता है। मैच द फॉलोइंग क्यों इजी होता है, हमारे अगर 4 में से 2 ऑप्शन भी मैच हो गए ना तो हमको अगर तीसरा चौथा नहीं भी पता तो भी बन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग जो है वो इसलिए इजी हो जाता है कि हमारा कॉम्बिनेशन जो हमको, हो सकता है आपको बी और सी पता हो सकता है आपको सी और डी बचाए पता है, अगर ये दोनों कोई भी दो आपको एकदम कंफर्म पता है और दो नहीं भी पता और वो दो मैच कर जाते हैं ना तो अक्सर आपको इसके आंसर्स मिल ही जाता है। तो देखिए पहले ही से पता चल गया तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में 5
मेंशन है। तो 5312 ठीक है, शपथ, नवी अनुसूची में कुछ अधिनियम, फिर चौथी अनुसूची में उच्च सदन, और आपका दसवीं अनुसूची में दल बदल निषेध कानून। क्या है मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। तीसरी जो अनुसूची है उसमें जितने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होते हैं, केंद्रीय स्तर के संवैधानिक पद, जिसकी डिटेल आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी, वो सभी पदों का जो शपथ या प्रतिज्ञान होता है उसका टेक्स्ट होता है। कौन कौन से पद शपथ लेते हैं उसकी डिटेल होती है और शपथ का प्रारूप रहता है, ठीक। उसके अलावा नवी अनुसूची शुरुआत में नहीं थी, जैसे मैंने बताया शुरू में 8 अनुसूचियां थी संविधान में, बाद में 12 हुई, यानी 9, 10, 11, 12 ये 4 एक एक करके अलग अलग जो संशोधन हुए संविधान में उससे ऐड किया गया, ठीक। तो नवी अनुसूची खासतौर पर भारत में भूमि सुधार के लिए लाई गई थी और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसके तहत कुछ अधिनियमों को वैध किया गया था जो खासतौर पर भूमि सुधार से संबंधित थे, ठीक। उसके अलावा जो चौथी अनुसूची है उच्च सदन में सीटों का बंटवारा, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा में राज्य की जो जनसंख्या होती है जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। जहां ज्यादा जनसंख्या वहां के समानुपात में ज्यादा सीटें, और जहां कम जनसंख्या वहां के समानुपात में कम सीटें, ठीक है। तो इसकी जो पूरी लिस्ट होती है वो दी गई रहती है आपकी चौथी अनुसूची में। और दसवीं अनुसूची ये भी बाद में ऐड की गई थी क्योंकि ये शुरुआत में नहीं थी, ये 52वें संशोधन से, यानी 52वें संशोधन से ऐड की गई थी। याद रखिएगा नवीं अनुसूची जो है वो पहले संशोधन से जोड़ी गई थी ना, नवीं अनुसूची पहले संशोधन से, दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन से। तो दसवीं अनुसूची जो है वो दल बदल निषेध कानून है। दल बदल निषेध कानून मतलब यदि आप विधायक या सांसद किसी पार्टी के टिकट से बनते हैं तो सांसद या विधायक बन जाने के बाद या चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल नहीं सकते, वरना आप उस पद यानी सांसद या विधायक के पद से अयोग्य करार दे दिए जाएंगे और पद आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट मैंने दल बदल निषेध कानून का बताया। कुल मिलाकर दल बदलना निषेध है, इससे संबंधित कुछ प्रावधान है जो दसवीं अनुसूची में मेंशन है, 52वें संशोधन 1985 में से जोड़ा गया, ठीक। इसी तरह से जैसे ये 4 है वैसे ही बाकी के जो 8 है यानी कुल 12 अनुसूचियों को भी आप याद कर लीजिए, और अगर आप 8 तक पहुंच गए तो 9, 10, 11, 12 कौन कौन से संशोधन से जोड़ी गई उसे भी आप देख लीजिए, वो किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, फाइन, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। संप्रभु शब्द से आशय है भारत, ठीक है, कॉमा वॉमा मिसिंग है, पंक्चुएशन जो है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा जरूर, क्वेश्चन छोटा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। संप्रभु वर्ड का क्या मतलब होता है? तो पहले तो बताइए कौन सा सेक्शन से है ये है प्रस्तावना वाले सेक्शन से, प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना में भारत राज्य की जो प्रकृति बताई गई है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, उस प्रकृति को 5 शब्दों से बताया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऐसे 5 शब्द हैं जो भारत राज्य की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताते हैं, ठीक। उन्हीं में से एक शब्द का मीनिंग पूछ लिया है कि उसका क्या मतलब होता है, तो प्रस्तावना वाले सेक्शन में से। तो भारत एक डोमिनियन स्टेट है, यह अवसरों की समता वाला देश है, यहाँ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है या किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, ये किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं करता। हमें पढ़ने से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती लगती है। जब आपको ऐसा लगे कि कोई एक शब्द है जिसका मायने पूछ रहा है और 2-3 ऑप्शन उससे मिलते जुलते लगते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ ऑल यानी उनमें से सबसे ज्यादा जो सूट कर रहा है वो ऑप्शन चुनना होगा, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर एक शब्द हम ले ले तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें उसकी व्याख्याओं में आ जाएगी, जैसे कि यहाँ लोगों की गतिविधियों में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। हालांकि ये डायरेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर आप कह सकते हैं कि अगर हम संप्रभुत्व हैं तो यहाँ पे कोई रोक टोक, बाहरी रोक टोक नहीं है। तो व्याख्याओं में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं जो आपको इसकी व्याख्याओं में मिल सकता है, लेकिन आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो डायरेक्टली इसकी परिभाषा से संबंधित है, डायरेक्टली इसकी अवधारणा से संबंधित है, व्याख्या से नहीं अवधारणा से संबंधित है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कोई देश प्रशासन के पूरे प्रभुत्व से संपन्न है। फिर रिपीट करती हूँ,
कोई देश प्रशासन के पूरे प्रभुत्व से संपन्न है, उसके आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, वो किसी दूसरी इकाई जो उस देश से बाहर है किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं है। ठीक, तो इसलिए देखा यह किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं करता, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी। हम हर तरह से स्वायत्त हैं, या मैं कहूँ हर तरह से आत्मनिर्भर हैं अपने सभी फैसले लेने के लिए। हमें किसी दूसरी इकाई, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई संगठन जो देश के बाहर का है उसकी जरूरत नहीं अपने निर्णयों को लेने के लिए। फाइन, ठीक, तो ये इसका आंसर। ठीक, इसी तरह से ना सिर्फ संप्रभुता, बल्कि जो पांच शब्द मैंने बताए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अलावा समाजवादी, उसके अलावा पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक लिखा जाता है क्योंकि, और चौथा है आपका गणतंत्र। ठीक, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये चारों के ऊपर क्वेश्चन अलग अलग इंडिविजुअल पूछ चुका है। गणतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, और इनमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इन सभी की व्याख्याएं मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में दी है, आपको PDF में मिल जाएगी। मैं डिटेल में अभी नहीं जा सकती, फिर भी एक एक लाइन आपको बता देती हूँ। समाजवादी का मतलब इसका सीधा सीधा लेना समाज में समानता से है। यदि कोई देश कोई सामाजिक भेदभाव नहीं करता है तो वो देश समाजवादी कहलाता है। दूसरा, पंथ निरपेक्षता, ये समुदाय और पंथ और धर्मों की समानता से है। यदि कोई देश अपने निर्णय लेते समय पंथ, समुदाय या फिर धर्मों में कोई पक्षपात नहीं करता तो उस देश को हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, जो कि भारत है। लोकतंत्र सभी जानते हैं, यदि किसी देश में तंत्र लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, लेकिन तंत्र में कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी है, यानी प्रशासन लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। और गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का मुखिया, खासतौर पर ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है गणतंत्र, जिस देश का मुखिया एक निर्वाचित पद है। भारत में देश का मुखिया कौन है, भारत देश का मुखिया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसा पद है, निर्वाचित पद है ना, नियुक्त होता है कि राष्ट्रपति की मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है। क्योंकि भारत देश का मुखिया निर्वाचित है इसलिए भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, तो ऐसे एक एक लाइन में जो मैंने डेफिनेशन बताया ये एग्जैक्ट मतलब है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन वो एग्जैक्ट मतलब निकलता दिख रहा है तो वही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में भारत राज्य के प्रति संबंधित ये क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करता है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये जो प्रश्न है ये संविधान की विशेषता में से, हालांकि अलग से आपके जो टॉपिक मेंशन है उसमें मैंने संविधान की विशेषता नहीं लिखी है, लेकिन यदि आप संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उस टॉपिक में ये निहित होता है, ये वाला टॉपिक संविधान की विशेषता, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा है संघीय सरकार की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, कठोर संविधान। तो भाई अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, हर उसमें संविधान की ऊपर की तीनों विशेषताएं हैं ही। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, संविधान की सर्वोच्चता ये सही है। ठीक, और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है, वो यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, कथन सही है पूछ रहा है कि गलत है पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़िए, तब आप ऑप्शंस को सही पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो नहीं है। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता भारत में है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, भले विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में आपको एक दूसरे में हस्तक्षेप दिखता है पर न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। तीसरा, द्विसदनीय विधायिका बिल्कुल है, केंद्रीय स्तर पर आप जानती ही हैं कि उच्च सदन और निम्न सदन है, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में तो द्विसदनीय विधायिका है, तो ये तीनों ही विशेषता है भारत में सरकार के। कठोर संविधान, क्या ये भी सही है, जी नहीं, ये गलत है। मतलब ऑप्शन डी इसका सही है क्योंकि बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी गलत है। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी। भारत का जो संविधान है ये कठोर नहीं है, ये लचीला और कठोर दोनों ही है। कहा जाता है ये नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, एक ब्लेंड है। संविधान जो है उसमें संशोधन हो भी सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन नहीं भी हो सकता।
कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको आसानी से बदला जा सकता है तो कुछ ऐसे जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। इस वजह से आप जानते हैं कि संविधान की विशेषता है कि ये कठोर भी है और लचीला भी। तो अगर एक पक्ष दे देता है तो वो पक्ष गलत है। ना हमारा संविधान पूरी तरह से लचीला है, ना ही हमारा संविधान पूरी तरह से कठोर है, ठीक है। तो इसलिए डी होगा। बाकी ये तीनों के साथ जितने दूसरे फीचर्स हैं संविधान विशेषताओं के, आप उसे भी याद कर लें ताकि ऑड वन छांटने में आपको आसानी होगी, ठीक। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये संविधान के स्रोतों से संबंधित है। मैंने आपको टॉपिक में मेंशन किया था कि संविधान के स्रोत से भी क्वेश्चन आते, ठीक। एक तरफ आपको सारे प्रावधान दिए गए और एक तरफ उद्देश्य दिए गए जहां से प्रावधान लिए गए, आपको सही सुमेलित करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? यूके से। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। और नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मतलब ए का आंसर होगा 2, मतलब बी या सी में से कोई सा हो सकता है। संसदीय प्रणाली 1, मतलब सी है। यहां समझ में आया, मैंने कहा ना दो कॉम्बिनेशन सही अगर बैठ गया अपना तो आपका सुमेलित किए करिए वाला क्वेश्चन जो आसानी से बन जाता है, ठीक है। 2-1 और फिर 4 और जैसे कि इसमें दिख रहे 3, तो 2-1-4-3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखें, यहां पर तो इतना वक्त मैं आपको दे रही हूँ एनालिसिस करने के लिए, लेकिन आपकी बेहतर तैयारी और तब होगी जब आपको मैं क्वेश्चन पूछूं और आप वहां से आंसर दें। ये तभी पॉसिबल है जब लाइव सेशन से हम जुड़े। तो देखिए, यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कर देती हूँ कि मैं बीच बीच में पॉलिटी और हिस्ट्री के लाइव सेशंस लूंगी। शुरू की ये 3 एपिसोड जिसका शेड्यूल आपको दिया ही गया होगा, उसके बाद आप एक लाइव सेशन पॉलिटी में देख पा रहे होंगे। उस लाइव सेशन में शुरू के तीनों एपिसोड में जो जो टॉपिक्स मैंने लिए उसके दूसरे क्वेश्चन, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने लिया उसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे राजव्यवस्था के टॉपिक जो कि विविध में आते हैं। देखिए, संविधान का सिलेबस जो मेंशन रहता है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स से वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जैसे कि क्षेत्रीय परिषद, जैसे कि मानव अधिकार आयोग, ठीक है, जैसे कि राजभाषाओं की कुछ डिटेल्स, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स रहते हैं जहां से प्रश्न प्रीलिम्स से पूछता है, पर ऐसा सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। तो जिन चीजों को मैंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है उनमें से जो क्वेश्चन होंगे ना, ये लाइव सेशंस में आपको मैं पूछूंगी, वहां आपको आंसर देने का मौका मिलेगा। तो वहां हम देखेंगे कि कौन कितने जल्दी इसका आंसर दे पाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड ही आंसर्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो सी हो गया। अब इसमें देखें, संविधान के प्रावधान कई देशों से लिए गए, हालांकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा सन 1935 के अधिनियम से लिया गया। कहा जाता है कि सन 1935 का जो अधिनियम है ये ओरिजिनल संविधान है और इसका सिर्फ कवर पेज चेंज किया गया है। मतलब इसका ये संविधान को ज्यादातर इसी अधिनियम से अडॉप्ट किया गया है और 1935 का अधिनियम इसका आंतरिक स्रोत है। उसके अलावा बाह्य स्रोतों में अलग अलग देशों के संविधान आते हैं। यहाँ पे जिनमें से 4 ऐसे प्रावधान हैं जिसके कुछ सामने देश दिए गए हैं, इनके अलावा ऐसे कम से कम 8-10 और प्रावधान हैं जिसको आपको याद करना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया, तो आयरलैंड से और क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, ठीक। उसके अलावा आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में जो मनोनयन का प्रोसेस होता है वो भी। तो आप इसे कैसे याद करें? आप एक देश लिख लीजिए और देश के सामने वहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं उसे लिख लीजिए और वहां से एक साथ याद करिए। आप पे डिपेंड करता है, कोई प्रावधान लिखकर सामने देश लिखकर याद करता है, कोई देश के सामने जितने प्रावधान है वो याद करता है, वो डिपेंड करता है। आप कोशिश करिए कि आप ज्यादातर समराइज करें अपने हिसाब से, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें डिफर करती हैं, ठीक है। समराइज करें, छोटा कर लें, नंबर ज्यादा ना हो, नंबर कम हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको समिति वाले केस में बताया था वैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। कोशिश करिए कि एक क्रम से आप प्रावधान जमा लें अगर आपको प्रावधान के हिसाब से पढ़ना है। जैसे कि संविधान का दर्शन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, ये तीनों संविधान के दर्शन में आते हैं। आप पहले ये तीनों को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से लिए गए। जैसे मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से सोवियत संघ से लिया गया और नीति निषेध तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए। तो आपने देख लिया कि संविधान के दर्शन संबंधित तीन चीजें कहाँ से ली गई। फिर उसके बाद
आंतरिक स्रोत 1935 का अधिनियम उठाए, उससे क्या कह लिया गया, फिर सबसे ज्यादा हमने उसके अलावा ब्रिटेन से अडॉप्ट किया तो ब्रिटेन से क्या कह लिया गया, फिर अमेरिका से क्या कह लिया गया, ऐसा करके आप एक लिस्ट बनाइए और याद करिए, पूरी तरह से मेमोरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे आप पूरी लिस्ट को याद कर सकते हैं, उसके अलावा जो इसकी दिगर बातें हैं वो आपको डिटेल लेक्चर में मिलेंगी। आगे अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन से सत्य हैं, ट्रू कौन से हैं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट देते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसा एक फॉर्मेट आता ही है, देखिए 3-4 स्टेटमेंट है, पूछा है कौन से सही, तो आप पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट को जांचिए कि कौन सा सही गलत है, फिर हम ऑप्शंस पे आ जाएंगे। किससे संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित ये स्टेटमेंट है। पहला है प्रस्तावना संशोधनीय है, मतलब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप जानते होंगे कि सन 1973 के केशव नंदा भारती केस के बाद संविधान की प्रस्तावना को प्रवर्तनीय और संशोधनीय बता दिया गया है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, क्या ये सही है, जी नहीं ये गलत है, क्योंकि भले ही प्रस्तावना संशोधनीय है लेकिन इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और वो है 42वां संशोधन सन 1976। लघु संविधान कहे जाने वाले संवैधानिक संशोधन के तहत बहुत सारे प्रावधान को बदला गया था, जिनमें से एक बदलाव प्रस्तावना में भी हुआ था, और इस संशोधन के जरिए 3 शब्द इसके इसमें जोड़े गए थे, एक है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे इस संशोधन से, तो इकलौता ये संशोधन है, तो 2 संशोधन ये थे, ये गलत है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं हम, ये संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करती है, क्या प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, तो हाँ है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। संविधान की प्रस्तावना दरअसल 4 बातों को बताती है, ठीक। पहला, संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत के लोग। दूसरा, इसे इसमें जो भारत राज्य के बारे में बताया गया है उसकी प्रकृति क्या है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 5 ऐसे शब्द हैं प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये 5 शब्द जो है वो भारत राज्य की प्रकृति को दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो प्रस्तावना में दी गई है वो है उद्देश्य। उद्देश्य किस चीज का, उद्देश्य संविधान को लिखे जाने का। प्रस्तावना आपको याद करनी है, पहले तो ये गांठ बांध ले, कोशिश करिए कि प्रस्तावना का पूरा टेक्स्ट याद करें, वहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टेक्स्ट पर से। यहां मैंने प्रश्न का पैटर्न बदला है क्योंकि पिछले FTR में मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए थे जिसमें मैंने सीधा सीधा आपको वर्ड्स दिए थे अरेंज करने के लिए, वो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिए। जो मैं बोलना चाह रही हूँ समझिए, प्रस्तावना का टेक्स्ट याद करिए, टेक्स्ट याद करने के लिए इसका फॉर्मेट याद रखिए, तब जाके आपको टेक्स्ट याद रहेगा। तो आप जब टेक्स्ट याद करते हैं तो आपको कुछ शब्द मिलते हैं जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, अखंडता, ऐसे आपको 7 शब्द मिलेंगे उसमें टेक्स्ट में। वो 7ों शब्द ना संविधान को लिखे जाने के उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं कि संविधान क्यों लिखा गया, ताकि भारत में एकता रहे। संविधान क्यों लिखा गया, क्योंकि ताकि लोगों को स्वतंत्रता मिले, समाज में समानता बनी रहे, लोगों को न्याय मिले, ठीक है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये बंधुता, ये शब्द जो दिए गए वही संविधान के उद्देश्यों को बताते हैं जिसका यहाँ पे उल्लेख किया गया, ठीक है। तो प्रस्तावना को याद करिए, वहाँ के जो शब्द हैं उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको अरेंज करने के ऊपर। तो स्रोत, प्रकृति, उद्देश्य और चौथी जो है वो है तिथि। तिथि कब हमारे संविधान को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। तो ये 4 बातें प्रस्तावना का प्रारूप है, आप इन 4ों के हिसाब से प्रस्तावना को याद कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ लिखा है कि प्रस्तावना संविधान लिखे जाने के उद्देश्यों को बताती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। उसके बाद है, इसे आयरलैंड से अपनाया गया, स्रोत से संबंधित ये स्टेटमेंट है। क्या प्रस्तावना को आयरलैंड से लिया गया, नहीं, प्रस्तावना को USA से लिया गया है, ठीक है। USA का भी एक लिखित संविधान है तो उसमें भी सामने प्रस्तावना रहती है, तो इसलिए वहां से हमने प्रस्तावना को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, ठीक। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर
3 सही है और क्वेश्चन भी पूछा है सत्य कथन को पचाई, तो पहला सही और तीसरा सही, तो कौन सा कोड सही होगा? सी, 1 और 3, बाकी दोनों हो सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। संविधान के भाग से संबंधित इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? प्रश्न समझिए, अब असत्य प्रश्न पूछ रहा है ये, ठीक है, असत्य स्टेटमेंट। अब आपको जो राइट है उनको नहीं, जो रॉन्ग है उसको देखना है, ठीक है। भाग से संबंधित है, संविधान में कुल 22 भाग हैं, उनमें से कुछ भागों के बारे में स्टेटमेंट है। भाग 9 ख को 2005 में जोड़ा गया। भाग 9 ख क्या है? पार्ट 9B, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों को, यानी भाग 9 ख को कब संविधान में जोड़ा गया, कब संविधानिक दर्जा दिया गया है? क्या वो 2005 में दिया गया? जी नहीं, भाग 9 ख 97 नंबर का जो संशोधन था सन 2011 में, उससे जोड़ा गया था, ना कि 2005 में। इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो एक स्टेटमेंट निकल आया आपके आंसर के लिए, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं दोहराती हूँ, 97 नंबर का संशोधन था जिसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया था और वो वर्ष था 2011 जब ये संशोधन हुआ था, तो 2005 गलत है, ठीक। स्टेटमेंट नंबर 2, भाग 7 को 7वें संशोधन से हटाया गया। भाग 7 जिसमें भारत में जो राज्य थे, उन राज्यों में जो भाग ख राज्य थे, आपको पता होगा शुरुआत में लैंग्वेज के हिसाब से जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले तक ABCD करके 4 कैटेगरी में भारत के राज्यों को रखा गया था आज़ादी के बाद, और सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के इस अधिनियम के बाद फिर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, ठीक। तो उसी समय क्या हुआ, जो भाग 7 में भाग ख के राज्य थे, यानी पार्ट बी स्टेट्स, उस टाइम पार्ट्स में थे ना स्टेट, तो भाग ख के राज्यों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान भाग 7 में दिए गए। उन प्रावधानों को जो इस पार्ट बी स्टेट से संबंधित थे उन्हें डिलीट कर दिया गया, क्योंकि पार्ट बी नाम के कोई स्टेट्स ही नहीं रहे, पार्ट बी कैटेगरी ही नहीं रही, क्योंकि पुनर्गठन के बाद अलग तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये पार्ट बी स्टेट्स के प्रावधानों को उचित नहीं रहा जो कि भाग 7 में दिया, तो भाग 7 को डिलीट कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखें कि भाग 7 को डिलीट 1956 में किया गया। अब वो संशोधन कौन सा था? वो 7वां संशोधन ही था। 7वां संशोधन 1956 ही था जिसको हम राज्य पुनर्गठन कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही है, ठीक। पार्ट 7 को 7th अमेंडमेंट से ही डिलीट किया गया। अब अगले स्टेटमेंट में आते हैं, भाग 4 को 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 क्या, भाग 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से जोड़े गए थे? 42वां संशोधन 1976, ये सभी को पता है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन 1976 से जोड़ा गया, और स्टेटमेंट लिखा है कि 44वां संशोधन से जोड़ा गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस हिसाब से आपको आंसर तो यही मिल गया, 1 और 3 तो रॉन्ग है ही, ठीक। तो जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए उससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सी इसका आंसर है, ठीक। लेकिन चौथा इसलिए जांचना जरूरी है कि कई बार आखिरी वाले में नन ऑफ दी अबव भी रहता है, तो नन ऑफ दी अबव वाले केस में ऐसा हो सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं बता रहा हो सकता है चौथा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो। चौथा वाला स्टेटमेंट गलत होगा तो 1, 3 आप आंसर नहीं ले सकते, क्योंकि उस हिसाब से आपका 1, 3 और 4 तीनों गलत है और आपके ऑप्शन में नहीं, तब आपको नन ऑफ दी अबव अगर होता तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो पहले हम चौथा जो है उसको जांच लेते हैं। भाग 4 को 42वें संशोधन 14 का को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 14 का क्या है? न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण, जिसको इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं, इसे बाद में जोड़ा गया और इस 42वें संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया इसे, ठीक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप सेफ हैं, फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकंड और फोर्थ सही है, और आपको गलत चुनना था, सत्य कथन चुनना था, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक, आपको कुछ टर्म्स वगैरह में हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत जा रही होगी, तो मैं यहाँ फिर दोहरा देती हूँ, जो अभी इस पार्ट से वीडियो को देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम का जो यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का, उसमें आपको सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन टर्मिनोलॉजी सभी उसमें इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। तो ये है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अब अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम। कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना, संविधान की आलोचना के संबंध में ये किसका कथन है? एक स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताएं ये स्टेटमेंट किसका है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? क्या होगा आंसर? इसका आंसर है, जो कि सबसे ज्यादा ऑब्वियस सा लग रहा है आपको, बी.आर. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने कथन संविधान की आलोचना जब हो रही थी ना, तो उस संबंध में दिया था। भीमराव अंबेडकर ने स्टेटमेंट तब दिया था जब कुछ आलोचकों ने भारत के संविधान को हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उधार का संविधान कहा था। हम जानते हैं ना कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए, तो जब इस बात पे आलोचना हो रही थी संविधान की भारत की कि इधर उधर से हमने अडॉप्ट कर लिया, तब अंबेडकर ने सफाई देते हुए ये स्टेटमेंट कहा था। तो आंसर होगा इसका सी, बी.आर. अंबेडकर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है। तो अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये संविधान के निर्माण और विशेषता से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी? 321 10, 365 10, 321 8, 365 8। भारत के संविधान की अनुसूचियां नहीं पूछ रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 वह अधिनियम जिससे ज्यादातर भारत के संविधान ने प्रावधानों को अपनाया है, उस अधिनियम में ओरिजिनली कितनी धाराएं थी और कितनी अनुसूचियां थी? भाई वो भी तो कुछ सेक्शंस और शेड्यूल में डिवाइड होकर आया था। तो ध्यान रखिए 1935 का अधिनियम एक बहुत ही वृहद अधिनियम था। जब हम कह रहे हैं कि वर्तमान संविधान ज्यादातर से अडॉप्ट किया गया है, इसका मतलब है अपने आप में वो एक बहुत ही डिटेल नियमावली थी। तो क्योंकि वो एक अधिनियम था, इसलिए उसमें अनुच्छेद नहीं होंगे, उसमें होंगी धाराएं, ठीक है। तो एक बहुत वृहद अधिनियम था जिसमें बहुत सारी धाराएं थी, बहुत सारी अनुसूचियां थी, उसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आप ये ना सोचिए कि अब इसकी भी 10 अनुसूची याद करना पड़ेगा, नहीं, ये पूरी तरह से एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। जब आप 1935 के अधिनियमों के प्रावधान पढ़ेंगे तो आपको हर किताब में, हर नोट्स में, हर पीडीएफ में पहली लाइन ये मिलेगी कि एक बहुत ही वृहद ये नियमावली थी 1935 का अधिनियम, जिसमें की 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये बात सिर्फ याद रखने वाली बात है जिसको प्रश्न बनाकर। दैट इज इट, इतने क्वेश्चंस आज मैंने डील किए हैं, हालांकि प्रश्न 10 ही थे, लेकिन इसके जो मैंने व्याख्याएं बताए, आई होप आपको बहुत सारे और प्रश्न से संबंधित सॉल्व करने में मदद मिलेगी। प्रश्नों की संख्या वेरी करेगी, आज 10 हैं तो कल किसी सेक्शन में 15 भी होंगे, किसी में 12 भी होंगे, लेकिन अगर बड़े बड़े प्रश्न हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है, तो एक टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम प्रश्न कम ही रखेंगे, ठीक। और याद रखिएगा, यही पूरा वीडियो इंग्लिश मीडियम में कंपटीशन कम्युनिटी के इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जितने इंग्लिश मीडियम के लोग अभी देख रहे हैं, आप वहां जाके सब्सक्राइब करिए, आपको ये पूरे क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलेंगे, पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में मिलेगी, ठीक। और दूसरी बात ये कि लाइव सेशन मेरा जो रहेगा उस दिन, आप ज़रूर अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। ये तीनों ही दिन जो भी टॉपिक्स में डील करूंगी उनसे संबंधित और एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है उन एमसीक्यूज में से कुछ एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको दूँ और आप मुझे आंसर वहाँ पर करें, और उससे संबंधित आपको डाउट क्लियर करने का भी उस दिन मौका मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस FTR के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट है, कोई कुछ क्लैरिफिकेशन है, कोई भी और बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल अगले राज्य व्यवस्था के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।